उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में पुलिस और प्रशासन का सारा तामझाम उस समय फेल हो गया जब सुबह से हाई टेंशन पोल पर चढ़े एक युवक को नीचे उतारने में प्रशासन नाकाम साबित हुआ। फायर विभाग और पुलिस प्रशासन लगातार 24 घंटे तक युवक को नीचे उतारने की कोशिश करते रहे, लेकिन युवक नीचे नहीं उतरा। 24 घंटे के बाद क्षेत्रीय निगम पार्षद की सूझबूझ के चलते युवक नीचे उतरा। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन पोल पर चढ़ा युवक का नाम मनोज सागर है। उसका विवाद जमीन को लेकर अपने परिवार से चल रहा था। परिवार उसकी जमीन उसे नहीं दे रहा था। परिवार ने उसे डांट फटकार के घर से भगा दिया, जिसके चलते मनोज सागर हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया और 24 घंटे के बाद क्षेत्रीय निगम पार्षद के समझाने के बाद युवक को विश्वास में लाया गया, तब कहीं जाकर युवक नीचे उतरा। इन्हें मकान के कागजों पर अंगूठे लगवा लिए, कचहरी ले जाके बिना बनावा करा लिया हुआ, कोई सुना रहा है। इस टेंशन में ये टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने अभी तो मुझे दिखा नहीं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है, कुछ नहीं करा उसे उतारने के लिए। तो पुलिस आपको यहाँ पर नजर आ रही है? नजर आ रही है, लेकिन दूर नजर आ रही है, पुलिस धोरे नहीं आई है। क्यों नहीं आ रही, क्या वजह होगी? अब ये उन्हें पता होगा क्यों नहीं आ रही। आना तो चाहिए, कुछ कोई इंतजाम कराना चाहिए था इसे उतारने के लिए। लगभग 2-2.5 घंटा हो गया है। एक 22-24 साल का एक लड़का है, युवा है, तो कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि इस तरह से खंभे पर चढ़ा हुआ है। तो तत्काल यहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर साहब, हमारी फायर सर्विस की टीम, हमारे FSO साहब यहाँ पर पहुँचे और उसको मैसेज दिया गया, बताया गया, आवाज़ मैसेज दिया गया, आप नीचे उतर जाएं, लोगों के माध्यम से कहलवाया गया। लेकिन जैसे हमारी पुलिस को देखता है, वर्दी वालों को देखता है, तो थोड़ा हेजिटेट सा हो जाता है। तो उसको फिर यहाँ के लोकल जो लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति, उनके द्वारा भी मैसेज उसको दिलवाया गया, तो समझाया जा रहा है, उतारने का प्रयास किया जा रहा है। नीचे उतरे युवक को मेडिकल कराने हेतु अस्पताल भेज दिया गया। बहरहाल 24 घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल या निशान जरूर लगाए। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से शहादत अली की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 9211478312, 9211478312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।